तो जैसे कि अभी बिग बॉस शो चल रहा है, बिग बॉस शो में एक चीज देखने में आ रहा है कि मनोवर फारूकी के लोग जो वो तीन लड़कियों को एक साथ डेट करने का कोशिश कर रहा है, लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मैं उस चीज पे बात करना चाहता हूँ कि लोग कितने दोहरा मानसिकता के होते हैं कि हमारे देश में तीन लड़कियों को डेट करना भी जस्टिफाई बोला जाता है। अब वही कोई अलग लड़का कर दे तो उसको वो लोग धोने पड़ जाएंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो गधा है, ये तो चूतिया है, मतलब इस तरह का भाषा यूज करने लगेंगे, उसका माँ बहन सब कर दिया जाएगा। मगर मनोवर फारूकी जो एक अलग वर्ग से आता है तो उसको सपोर्ट देने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। मैं तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर को देख रहा हूँ कि वही चीज कोई दूसरा कोई करता है तो उसको ऐसे ये लोग टॉर्चर करते हैं, ऐसे उसका करैक्टर को पूरा मतलब धज्जिया उड़ा देते हैं। मगर वही जब मनोवर फारूकी कर रहा है एक लड़कियों के मतलब दो तीन लड़कियों के एक साथ डेट, तो बोल रहा है अरे नहीं नहीं लड़का है थोड़ा बहक जाता है। ये तो वही अलग बात हो गया जो यूपी के नेताजी ने बोले थे अरे लड़का है बहक जाता है। मतलब इतने दोहरा मानसिकता के लोग हैं हमारे देश में। लड़कियां भी जस्टिफाई कर रही है कि नहीं मनोवर फारूकी थोड़ा बहक गया है ये वो, तो बता देते हैं मनोवर फारूकी कौन है। मनोवर फारूकी हमारे बिग बॉस में अभी गेम खेल रहे हैं, गेम क्या खेल रहे हैं, वहां पर रासलीला मचा रहे हैं ये। ये वो इंसान है जो हिंदू धर्म के देवियों के बारे में उल्टा सीधा बातें कहा करते थे और कॉमेडी में हमारे राम जी को मजाक उड़ाया करते थे। आज इनका खुद चेहरा दिखाई दे रहा है लोगों के सामने में, मगर लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक अलग धर्म से आता है, ठीक है। और यहाँ पे लोग आजकल गलतियों को भी धर्म से जोड़ने लगे हैं। मतलब अगर वो गलती कर रहा है, अगर वो अलग धर्म से है तो उसको नहीं भाई वो सही है, मगर वही कोई अलग धर्म से हो और वो चीज गलती करे तो नहीं भाई वो गलत है। मतलब किस तरह का लोग है यहाँ पे, किस तरह का दोहरा मानसिकता चल रहा है, ये चीज देखने वाली है। और इस शो में मतलब एक चीज क्लियरिटी हो गई लोगों को देखते हुए कि हाँ लोग दोहरे मानसिकता को होते हैं और धर्म को एक अपनाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अनुराग करके एक लड़का है, उसमें अनुराग को जितना गाली देने वाले लोग हैं वो एक धर्म विशेष से आते हैं जो उसको गाली दे रहे हैं, बाकी मैं उसको कम बहुत कम लोग को दिखाई दे रहा है जो उसको गाली दे रहा है, इसलिए उसको गाली दिया जा रहा है कि वो हिंदू धर्म को फॉलो करता है। तो लोग इसको एक धर्म भाई एक धर्म बना के रख दिए हैं, ठीक है। आज मुझे जितना समझ में आ रहा है अनुराग सोच छोड़ के जाना चाहता है, वो सोच छोड़ के चला भी जाए तो सही रहेगा कि उसके लिए, क्योंकि लोग उसको धर्म के हिसाब से देख रहे हैं, लोग इस शो को धर्म के हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि नहीं तो आज मनोवर फारूकी जो गलत किया है भाई उसको निकालो पहले शो से, उस पर तो भाई केस होना चाहिए। वो जिस हिसाब से लड़कियों को चीट कर रहा है, वो तो चीटी कर रहा है ना, लड़की को एक साथ में तीन लड़कियों को चीट कर रहा है, उधर मनाड़ा को उधर लाइन मार रहा है, इधर ये आयशा खान की कौन खान है ये उधर, उसका बाहर में एक लड़की है उसको वो लाइन मार रहा है, भाई एक साथ तीन लड़की, ये तो अजब गेम है भाई, अजब आदमी है ये तो, मतलब देखने में शरीफ लगता था, प्यारी प्यारी बातें करके तो इसने तो अच्छा गेम खेला है भाई, सोचने वाली बात है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसकी जो बाहरी गर्लफ्रेंड है उसने बोला भी कि बहुत बड़ा झूठा आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, और जो लड़की अभी रिसेंटली में आई है वो भी बोली कि बहुत बड़ा झूठा आदमी है, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और लोग इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे जस्टिफाई ऐसा चीजों करो ना जो जस्टिफाई करने वाले हो, ये लड़कियों को इज्जत के साथ खेलना, लड़कियों को एक फेम के तरीकों को दिखाना, फेम में झूठ बोलना, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता भाई, इस चीज को कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। और जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना वो तो इससे बड़े गधा है, ठीक है। जब अपने पाएगा ना, जब खुद की बहन बेटियों पाएगा तब समझ में आएगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में रखें। बाकी जय हिंद जय भारत।